नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अमित महाजन आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। अपने इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको किसी न किसी ऐसे पेशेंट के बारे में बताता हूँ जो कि बहुत ही मुश्किल और बहुत ही जो है मुश्किलों से गुजर रहा होता है और उसका इलाज जो है काफी मुश्किलों से भरा होता है। ऐसे ही एक मरीज है मिस्टर जसवीर सिंह जी, जो कि काफी समय से अल्सरेटिव कोलाइटिस या IBD की दिक्कत से जो है पीड़ित थे और पिछले लगभग 12 साल से उनको जो ये प्रॉब्लम थी उनको वो इसका काफी समय से वो इलाज दे रहे थे एलोपैथी में, PGI से, CMC, DMC से, वहां काफी जगह से उन्होंने इलाज दिया लेकिन उनको कोई भी रिलीफ नहीं आ रहा था। IBD या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स में ज्यादा दिक्कत क्या होती है कि उनको जो है बार बार जो है स्टूल के लिए जो है मोशन पास करने के लिए जाना पड़ता है। दिन में ये फ्रिक्वेंसी जो है 6 से 8 बार से लेकर के 10 से 15 बार भी हो सकती है। उसके साथ ही उनके मोशन में जो है काफी मात्रा में म्यूकस का निकलना साथ में जो है ब्लड का भी निकलना काफी मात्रा में पाया जाता है। और ऐसे पेशेंट काफी समय से जो है स्टीरोइड्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं या फिर वो मिसाबोल जैसी दवाइयां या सपोजिटरीज या एनिमा के ऊपर जो है डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो मिस्टर जसवीर सिंह जी जो इस बीमारी से काफी समय से पीड़ित थे, उनको जो है ये बीमारी जो है पिछले लगभग 12 साल से थी। तो किसी के रेफरेंस के साथ वो हमारे पास अपना इलाज करवाने के लिए है। तो पहले मिस्टर जसवीर सिंह जी से बात कर लेते हैं। जसवीर सिंह जी, कैसी तकलीफ थी आपको पहले? सर मेरे को प्रॉब्लम थी, बार बार हड्डियां टेंगे सी करते, वो फिनिशिंग लग गई थी। ये आपको कितना समय हो गया था आपको इसके साथ? 10-12 साल हो गए। उसके लिए आपने क्या क्या कहाँ से इलाज लिया था आपने? सर मैं था सर हरप्रीत स्कॉट हॉस्पिटल वगैरह सर से मेडिसिन लिया। तो आपको कोई रिलीफ आता था कि इनकी मेडिसिन के साथ? काफी स्टेरॉइड भी आपने काफी मात्रा में लिए जी, बहुत प्रॉब्लम था। तो कितना खून कितना आता था आपको पहले? रनिंग भी करता था और साथ में पेट भी थोड़ा भारी भारी हो गया। आपका वजन कितना कम हो गया था जब से आपने आपको ये तकलीफ हुई थी? 25-30 किलो वजन आपका कम हो गया था। ठीक है, और फिर भी आपकी तकलीफ जो है इन दवाइयों के बावजूद भी आपकी जो बढ़ती जा रही थी। तो अभी आपका जब आपने जो अभी आप हमसे दवाई देते हुए आयुर्वेदिक दवाई देते कितना समय हुआ आपको? 15 दिन हुए। और अभी आपको क्या चेंज आ रहा है? कितना फर्क आप क्या फर्क महसूस करते हो? अभी आपको मोशन कितनी बार जाना पड़ता है? बस एक टाइम जाता है मोशन, एक ही बार जा रही है। बीच में कोई म्यूकस नहीं जा रहा? पहले भूख नहीं था लगता, अभी भूख भी लगता है। सही है, म्यूकस तो नहीं आ रहा है उसमें? भूख अच्छी लग रही है जी। और खून तो नहीं आ रहा है? नहीं। और वीकनेस में क्या चेंज है आपकी? वीकनेस में थोड़ा पेट पहले काम था, अभी थोड़ा वेट। 15 दिन आपने दवाई खाई है, तो आपका कितना वजन बढ़ा है अभी? अभी 3-4 किलो का फर्क बढ़ गया। 3-4 किलो वजन बढ़ गया आपका। तो क्या आपको लगता है कि आप इस तकलीफ से ठीक हो जाओगे? जी अभी लग रहा है। तो दवाइयों के साथ साथ आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ आपने अपने खाने पीने में भी काफी चेंज रखा होगा आपने जी, जी। तो उसके बारे में क्या बताओगे? उसके बारे में सब जो आपने बताया था मैं सुधी दे रहा है घर का। किस तरह की डाइट ले रहे हो ज्यादातर? ज्यादातर सर वैसे तो खाना रोटी बस खा रहा है अभी, जैसे दाल चपाती सब्जी ये चीजें जो है, और दूध वगैरह बिल्कुल आपने बंद रखा है। चलो मैं यही कामना करता हूँ आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। तो ये थे मिस्टर जसवीर सिंह जी, जो कि इस बीमारी से काफी समय से जो परेशान थे, लेकिन इनको अब काफी उम्मीद है कि ये आयुर्वेदिक दवाई से आयुर्वेदिक इलाज से जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आप जितने भी पेशेंट्स हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि आप प्लीज आयुर्वेदिक दवाइयों को फॉलो करिए और आयुर्वेदिक रेजिम्स लाइफस्टाइल्स को फॉलो करिए, ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, फायदेमंद होगा। धन्यवाद।